चलो शुरू करते हैं, ठीक है। तो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स कुछ की पॉइंट्स रहेंगे जो कि आप लिखते जाना। तो देखिए पहले पॉइंट में बोल रहा है इन ऑर्डर टू प्रोवाइड गाइडेंस एंड असिस्टेंस, ये दो चीज महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान में रखना। गाइडेंस एंड असिस्टेंस टू एन एक्सपोर्टर, जो गुड्स को एक्सपोर्ट करता है वो एक्सपोर्टर कहलाता है, ठीक है। तो उसको गाइड करने के लिए और उसको असिस्ट मदद करने के लिए और उसको गाइड करने के लिए, ठीक है, दिशा निर्देश देने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे सेटअप्स बना के रखे हैं, बहुत सारी संस्थाएं बना के रखी है। उनमें से एक है क्या, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया। फिर देखिए एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल आर अथॉरिटीज विच आर बेसिकली प्रमोटिंग सपोर्टिंग एंड असिस्टिंग फर्म्स इन एंटरिंग द इंटरनेशनल मार्केट। इस चीज को ध्यान रखना कि वो क्या क्या करती है, वो प्रमोट करती है, सपोर्ट करती है और असिस्ट करती है, ठीक है। किसको, फर्म्स को, कौन सी फर्म्स जो एक्सपोर्ट में लगी हुई हैं, उन फर्म्स को प्रमोट करती है, सपोर्ट करती है, असिस्ट करती है, ताकि वो इंटरनेशनल मार्केट में क्या कर सके, इंटर कर सके, ठीक है भाई। क्या होता है ना, आप अपने देश में बहुत अच्छे तरीके से माल बेच रहे हो, बहुत अच्छे से बिजनेस कर रहे हो, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि, क्योंकि दूसरे देश के कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर अलग होता है, दूसरे देश की डिमांड अलग होती है, तो भाई हमको कैसे पता चलेगा, ठीक। तो ये इसका काम है एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का, ये ऐसी अथॉरिटीज है जो कि आपको सपोर्ट करती है, असिस्ट करती है और प्रमोट करने में मदद करती है, ठीक है। एंड रियलाइजिंग देयर ऑप्टिमम पोटेंशियल फ्रॉम गिवन रिसोर्सेस दे ऑल्सो प्रोवाइड गाइडेंस एंड असिस्टेंस टू द एक्सपोर्टर। फिर देखिए इन लीगल टर्म्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स आर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। देखिए ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है क्योंकि ये सरकारी है, तो ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ये रजिस्टर्ड होते हैं कंपनीज एक्ट या सोसाइटी एक्ट, ठीक है, कंपनीज एक्ट होता है या सोसाइटी एक्ट होता है, रजिस्ट्रेशन एक्ट, ये इसके बारे में भी मत जाइए, थर्ड सेमेस्टर में आप लोग बिजनेस लॉ में पढ़ेंगे भाई। ये कुछ लोगों ने शायद म्यूट नहीं किया, म्यूट कर लो, ठीक है, अपने से ही कर लो, मैं नहीं करूंगा म्यूट ऑल, आप लोग अपने से कर लो। तो ये जो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स है ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कंपनीज एक्ट या सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड होती है, ठीक है। नेक्स्ट है द ईपीसी, ये तो अपन देख लिया, ये देखिए द एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, देखिए ईपीसी इसका शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। द एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल मे बी प्रोवाइडेड फाइनेंशियल असिस्टेंट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट इनको फाइनेंशियल असिस्टेंस देता है, मतलब जो इनका खर्चा उठाता है वो कौन उठाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट उठाता है, ठीक। अब इसमें से एक जो ये काउंसिल है, इसमें से देखिए सिंथेटिक एंड रेयन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, ये 1954 में सेटअप हुआ था, ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट काउंसिल है, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, ठीक है। देखिए एक काउंसिल नहीं है, एक कोई इंस्टीट्यूशन या एक कोई ऑफिस नहीं है, ये काउंसिल्स है, मतलब बहुत सारी है अलग अलग, ठीक है। अभी आगे जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे अपन तो आप लोग समझ जाओगे, लेकिन उनमें से एक सिंथेटिक और रेयन, ये जो है अपने आप होता है बहुत ज्यादा, इनका एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ये 1954 में सेटअप हुआ था, तो ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट ईपीसी है इंडिया की, ठीक। आगे बढ़ते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल इज टू प्रमोट एंड डेवलप द एक्सपोर्ट्स ऑफ द कंट्री, भारत के एक्सपोर्ट का विकास करना और उसको बढ़ावा देना, इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, मेन ऑब्जेक्टिव, ठीक है। सेकेंड पॉइंट देखिए, अब यहां से आपको क्लियर होना शुरू होगा, ईच काउंसिल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रमोशन ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोजेक्ट्स एंड सर्विसेस। एक नहीं, बहुत सारे एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स बना के रखे हैं अलग अलग, और सभी लोगों को अलग अलग प्रोडक्ट्स दिए गए हैं, तो हर एक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल को एक प्रोडक्ट दिया गया है, उसको अपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट को ही क्या करना है, प्रमोट करना है, ठीक है, प्रमोट करना। अभी देखेंगे आगे, और नेक्स्ट इसका रोल क्या है बेटा, जो म्यूट नहीं किया मनोज सीमा म्यूट कर लो। द मेन रोल ऑफ द एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल इज टू प्रोजेक्ट, ये बहुत बढ़िया चीज है, इसमें कुछ चीजें मैं अंडरलाइन करना चाहूंगा, इसको आप लोग भी या तो अंडरलाइन कर लीजिएगा या इसको लिख लीजिएगा। देखिए द मेन रोल ऑफ एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल इज टू प्रोजेक्ट इंडियाज इमेज, भारत की इमेज, इंडियाज इमेज अब्रॉड एज अ रिलायबल सप्लायर ऑफ हाई क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब अपने भारत की इमेज बनाना दूसरे देशों में कि भारत एक बहुत बढ़िया और रिलायबल सप्लायर है अच्छी क्वालिटी के गुड्स का, ठीक है, ये इसका बेस, ये रोल है इसका। नेक्स्ट है
तिवारी भी आ गया, लेट आया. इन पर्टिकुलर द एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल शैल एनकरेज एंड मॉनिटर, देखो एनकरेज करता है एंड मॉनिटर द ऑब्जर्वेंस ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स एंड स्पेसिफिकेशन बाय एक्सपोर्टर्स. क्या होता है, हर देश में अलग अलग स्टैंडर्ड्स चाहिए होते हैं. जैसे कि जैसे अपन गेहूं देखे ना, गेहूं भी अलग अलग स्टैंडर्ड्स का आता है, ठीक है. तो हर देश में अलग अलग स्टैंडर्ड सेट है, तो इसका काम है एनकरेज करना और मॉनिटर करते रहना, हमारे यहाँ के एक्सपोर्टर्स को बताना कि भाई किस देश में किस स्टैंडर्ड किस क्वालिटी के गुड्स चाहिए और उसको मॉनिटर करते रहना, प्लस दूसरे देशों में कौन से स्टैंडर्ड्स चल रहे हैं उनको मॉनिटर करते रहना. ये एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का मेन रोल है. तीसरा वाला पॉइंट देखिए इससे जुड़ा है, द एक्सपोर्ट्स ईपीसी शेल कीप अप टू डेट. ये अप टू डेट रहता है, कहे के ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं और अपॉर्चुनिटीज कहाँ है इंटरनेशनल मार्केट में, ठीक है, फॉर गुड्स एंड सर्विसेज एंड असिस्ट. जब ये पता कर लेता है कि क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं बाहर, ठीक है, दूसरे देशों में, और क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटीज हैं कि हमारा एक्सपोर्टर जो है गुड्स को भेज सकते हैं, ठीक है, और असिस्ट करता है देयर मेंबर्स. देखिए मेंबर्स मीन्स यहाँ पर अभी अपन आगे पढ़ेंगे एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के जो भी सेवाएं हैं या जो भी उनके ऑफर्स हैं उसका जो अपन बेनिफिट लेने के लिए एक्सपोर्टर्स को उसका मेंबर बनना पड़ता है, ठीक है, अभी अपन उसके बारे में बात करेंगे. तो ये क्या हो रहा है कि पूरे वर्ल्ड में जहां जहां भी अपॉर्चुनिटीज हैं और जो ट्रेंड्स चल रहा है उसका एनालिसिस करते रहना और अपने मेंबर्स को क्या करना बताते रहना, ये इसका कि भाई कहां पर क्या अपॉर्चुनिटीज है और आप उस अपॉर्चुनिटी को क्या कर सकते हो, ग्रैब कर सकते हो और अपने मार्केट को डाइवर्सिफाई कर सकते हो, ठीक है, ये इसका रोल है. क्लियर है ये? तो इस पूरे स्लाइड्स का जो सार निकल के आता है वो क्या निकल के आता है कि भाई इसका काम है अपने इंडिया के इमेज बनाना कि एक रिलायबल सप्लायर है, अच्छी क्वालिटी का गुड्स बनाता है. दूसरा कि वर्ल्ड में अब्रॉड मतलब दूसरे देशों में क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, कौन कौन से ट्रेंड्स हैं जो कि चल रहे हैं, उन ट्रेंड्स को पता करना और अपने मेंबर्स को बताना कि भाई साहब इस पर्टिकुलर देश में इस पर्टिकुलर ग्रेड का या क्वालिटी का गुड्स चाहिए तो आप उस पर्टिकुलर ग्रेड के गुड्स को क्या करिए, मैन्युफैक्चर करिए ताकि आपको एक्सपोर्ट करने में आसानी हो. तो ये सब बताता, देखिए ये करता, ये खुद कुछ एक्सपोर्ट नहीं कर रहा है, ये अथॉरिटीज है जो क्या करती है एक्सपोर्टर्स को सपोर्ट करती है. यहां पर थोड़ा सा ये चीज देख लीजिएगा, ये एक्सपोर्ट खुद नहीं करती, ये सिर्फ ज्ञान देती है अपने मेंबर्स को कि कौन सी चीज कहां पर जा सकती है, कौन सी चीज कहां पर तुम भेज सकते हो, ठीक है. नेक्स्ट फंक्शंस, अब एक एक करके फंक्शंस देखिए, मैं इसको पहले क्लियर कर दूं. पहला देखिए, टू प्रोवाइड कमर्शियली यूजफुल इंफॉर्मेशन and assistance to their members in developing and increasing their exports. ठीक है, अब एक example मैं आपको यही ले लूँ, नहीं तो आप आखिरी slide तक थोड़ा confused रहोगे. Export promotion councils एक नहीं, मैंने बताया ना बहुत सारे हैं, तो एक example एक है जो कि wheat export promotion council, इनका नाम ऐसे होता है, rice export promotion council, ठीक है, तो leather export promotion council, तो product का नाम पहले आ जाता है और export promotion council. तो जैसे मान लीजिए व्हीट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है, तो उस पर्टिकुलर काउंसिल का सिर्फ एम क्या है, पूरे वर्ल्ड में देखना कहां कहां व्हीट की कौन कौन सी क्वालिटी चाहिए है, कहां पर डिमांड ज्यादा है, अपॉर्चुनिटीज कहां कहां है. अब इस पर्टिकुलर जो आपकी वो है एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, इसमें जितने भी एक्सपोर्टर्स हैं जो व्हीट को एक्सपोर्ट करते हैं वो इसका क्या कर सकते हैं, मेंबर बन सकते हैं. मेंबर बनने से फायदा क्या होगा, मैं क्या करूंगा, मान लीजिए मैं एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का अथॉरिटी हूं, तो मैं अपने मेंबर्स को बुला करके और उनको बताऊंगा समझाऊंगा कि कहां कहां अपॉर्चुनिटीज हैं, कहां कहां आप गुड्स को भेज सकते हैं, ठीक है. अब समझ में आ गया कैसे काम करती है. तो देखिए क्या कर रहा है, पहला फंक्शन इसका टू प्रोवाइड कमर्शियली यूजफुल इंफॉर्मेशन एंड असिस्टेंस, ठीक है, सहायता ही प्रदान करता है टू देयर मेंबर्स इन डेवलपिंग एंड इंक्रीजिंग देयर एक्सपोर्ट्स, कि वो विकास हो सके उनका और वो इंक्रीज कर सके अपना एक्सपोर्ट. दूसरा देखिए बहुत बढ़िया, टू ऑफर प्रोफेशनल एडवाइस, इसको मैं अंडरलाइन करना चाहूंगा, प्रोफेशनल एडवाइस टू देयर मेंबर्स, टू ऑफर प्रोफेशनल एडवाइस टू देयर मेंबर्स इन एरिया सच एज टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन. देखिए क्या टेक्नोलॉजी अपग्रेड कर सकते हो तुम, मतलब एक्सपोर्टर को ये प्रोफेशनल एडवाइस भी देती है, प्लस तुम जो प्रोडक्ट बना रहे हो उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए कौन कौन सी नई टेक्नोलॉजीज आ गई इससे भी अपग्रेड कराती है, इससे भी उसको अवगत कराती है, ठीक है.
दूसरे क्वालिटी एंड डिजाइन इंप्रूवमेंट, स्टैंडर्ड्स एंड स्पेसिफिकेशन, कौन कौन से स्टैंडर्ड्स चल रहे हैं, मानक कौन कौन से चल रहे हैं, ठीक है, स्पेसिफिकेशंस क्या है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट कैसे हो सकता है, इनोवेशन क्या हो सकते हैं, ये सब किसको बता रही है, अपने मेंबर्स को बता रही है। तो एक ये प्रोफेशनल एडवाइस भी देखती है, ठीक है। तीसरा देखिए, टू ऑर्गेनाइज विजिट्स और डेलीगेशन, देखिए कितनी बड़ी चीज, मतलब ये सिर्फ जो है यही बिठा के ज्ञान दे रही है, डेलीगेशन का विजिट भी कर, कॉन्फ्रेंसेस होती है, ठीक है, कॉन्फ्रेंस हो रही है कि भाई वहां मान लीजिए अमेरिका में कॉन्फ्रेंस हो रही है, जापान में कॉन्फ्रेंस हो रही है, किस रिलेटेड हो रही है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट रिलेटेड, कि कौन से गुड्स लाए जाए या दिए जाए, किस होती है ना कॉन्फ्रेंस, सेमिनार्स होते हैं, तो वहां पर अपने मेंबर्स को भेजती है, ठीक है, वहां से मेंबर्स को बुलाती है, मतलब जो एक्सपर्ट्स बाहर से भी आते हैं तो यहाँ भी कॉन्फ्रेंस करवाती है, या विदेश में बाहर कोई कॉन्फ्रेंसेस हो रही हो तो यहाँ से भेजती है, तो ये सब काम भी करती है। फिर देखिए, ये अपने मेंबर्स कंट्री, एक्सप्लोर ओवरसीज मार्केट अपॉर्चुनिटी, ताकि क्या हो सके, एक्सप्लोर हो सके ओवरसीज मार्केट अपॉर्चुनिटीज, कि बाहर भी विदेश में भी क्या क्या मार्केट की अपॉर्चुनिटीज हैं, वो भी क्या हो सके, एक्सप्लोर हो सके, ठीक है। बेटा अभी कोई म्यूट लगता है नहीं किया, आवाजें आ रही हैं, जिसका म्यूट ना हो कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट है, टू ऑर्गेनाइज पार्टिसिपेशन इन ट्रेड फेयर्स, अब देखिए फेयर्स होते हैं, ट्रेड फेयर्स, एग्जीबिशंस एंड बायर सेलर मीट्स, ये होती रहती है, ठीक है, ट्रेड फेयर्स होते हैं, बाहर भी हो सकते हैं, हमारे देश में भी हो सकते हैं, तो ये ऑर्गेनाइज करती है अपने देश में भी, बाहर भी, ठीक है, ताकि बायर सेलर मिल सके, या ट्रेड फेयर्स हो रहे हैं तो हमारे यहाँ के एक्सपोर्टर जाके देख सके कि कौन कौन से नए प्रोडक्ट्स हैं, या अपने प्रोडक्ट जो हैं वो फेयर्स में लगा सके। एग्जीबिशंस में क्या होता है, एग्जीबिशंस में ये होता है, वहां पर माल बिकना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होता, लेकिन वहां दिखाना ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। एग्जीबिशंस में क्या है, सामान रख दिया जाता है, आपको दिखाते हो कि जैसे मान लीजिए अमेरिका में कोई ट्रेड एग्जीबिशन चल रहा है, तो वहां पर इंडियन हैंडलूम्स के लोग गए और अपना प्रोडक्ट एक स्टॉल लगाया और वहां दिखाया कि हम लोग कैसे हैंडलूम्स बनाते हैं, तो ये क्या है, एग्जीबिशन से, इससे क्या होता है, लोगों की डिजायर बढ़ती है, बिल्कुल ना, डिजायर बढ़ती है तो क्या है, उनको डिमांड आती है, डिमांड आती है तो फिर क्या होता है, हमारा एक्सपोर्ट और बढ़ सकता है। टू प्रमोट इंटरेक्शन बिटवीन द एक्सपोर्टिंग कम्युनिटी एंड द गवर्नमेंट बोथ एट द सेंट्रल एंड स्टेट लेवल, देखिए हमारे देश की सरकार, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, उनका इंटरेक्शन हमारे देश के एक्सपोर्टर्स के साथ में भी बढ़ाती है, मतलब हम अगर एक्सपोर्टर है इंडिया के, तो हमारा जो इंटरेक्शन है वो हमारी सरकार के साथ भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये बेटा म्यूट कर लो, कौन चिल्ला रहा है, ठीक है, तो हमारे देश की सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के साथ भी क्या करती है, इंटरेक्शन बढ़ाती है। नेक्स्ट है, मैं एक बार म्यूट कर लेता हूँ सबको। नेक्स्ट, टू बिल्ड अ स्टैटिस्टिकल बेस, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला ही पॉइंट, स्टैटिस्टिकल बेस एंड प्रोवाइड डेटा ऑन द एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ द कंट्री, कि भारत में कितना एक्सपोर्ट हो रहा है, कितना इंपोर्ट हो रहा है, जैसे अपने पास जो रिपोर्ट आती है ना कि पिछले साल हमने कितना एक्सपोर्ट किया, मान लीजिए आप लोग कोई प्रोजेक्ट बनाते हो अपना और आप देखते हो कि भाई उसमें पिछले साल हमने, पिछले साल और इस साल का कंपेयर करते हो कि पिछले साल हमने गेहूं कितना एक्सपोर्ट किया था, राइस कितना एक्सपोर्ट किया था, लेदर कितना एक्सपोर्ट किया था, तो ये डेटा कहीं से तो लोगे ना आप, तो ये डेटा कौन मेंटेन करता है, ये डेटा एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल मेंटेन करती है, और इसी डेटा से हमारा पूरा इंडिया का एक पूरा साल भर का बनता है कि भाई हमने पिछले साल टोटल कितना एक्सपोर्ट किया, क्योंकि अलग अलग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स हैं, ये अपने अपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स के क्या करती है, डेटा मेंटेन करके रखती है, ठीक है, क्लियर है, क्लियर हो तो थम्स अप कर सकते हो, ये होगा इसके फंक्शंस। नेक्स्ट है, देखो कैसे रजिस्ट्रेशन होता है, हाउ टू रजिस्टर विद एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स। अब देखो यहाँ पर देर आर करेंटली 26 एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, 26 एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स हैं और 8 कमोडिटी बोर्ड्स हैं, ठीक है, ये कमोडिटी बोर्ड्स जो हैं ये भी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के अंतर्गत ही आते हैं, तो 26 अभी जो है एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है और 8 जो है कमोडिटी बोर्ड्स हैं। ऑल ऑफ दीस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स प्रमोट अ स्पेसिफिक सेट ऑफ अ प्रोडक्ट, इसको मैं अंडरलाइन करूंगा, ये बार बार मैं आपसे बोल रहा हूँ, स्पेसिफिक सेट ऑफ प्रोडक्ट, जैसे मैंने बताया ना कि अगर व्हीट का है तो वो सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में काम करेगा, व्हीट के बारे में, उससे कौन मेंबर होंगे उसके, जितने व्हीट के एक्सपोर्टर्स हैं, ठीक है, इसी तरह लेदर, इसी तरह सब कुछ। Hence, the exporter should register under the concerned Export Promotion Council as per their line of product. तो exporter को क्या करना होगा,
अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ेगा एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल में जाके। देखिए अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराते तो जो जितने भी बेनिफिट्स है ना कि डेलीगेशन जा रहे हैं आ रहे हैं, ट्रेड फेयर्स में पार्टिसिपेशन आपका बढ़ रहा है, आपको जो है एक्सपर्ट एडवाइस मिल रही है, ये सब आपको नहीं मिल पाएंगे। तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसका मेंबर बनना पड़ेगा। सेकेंड है एक्सपोर्टर क्या करे, एन एक्सपोर्टर में ऑन एप्लीकेशन रजिस्टर एंड बिकम अ मेंबर ऑफ एन एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। वो अपने आप को रजिस्टर करा सकता है एप्लीकेशन देके और वो मेंबर बन सकता है किसका, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का। ऑन बीइंग एडमिटेड टू अ मेंबरशिप द एप्लीकेंट शैल बी ग्रांटेड फॉरथविथ रजिस्ट्रेशन कम मेंबर, ये देखो RCMC रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट। जब एक एक्सपोर्टर एप्लीकेशन देता है किसी भी पर्टिकुलर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल में कि सर मैं आपके एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल में रजिस्टर होना चाह रहा हूं, मैं भी इस फलाना फलाना प्रोडक्ट्स में रिलेटेड हूं, तो उसकी एप्लीकेशन प्राप्त करने के बाद जो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल में अथॉरिटीज बैठी हैं वो उसको एक सर्टिफिकेट इश्यू करती हैं मेंबरशिप का, उसको बोलते हैं RCMC रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट। ठीक है, क्लियर। तो ये जब ये मिल जाता है इसका मतलब कि आप क्या हो गए हो, उस पर्टिकुलर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के मेंबर हो गए। क्लियर। नेक्स्ट, ये कुछ एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स हैं इंडिया की, देखिए। ठीक है, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस, ये इस तरह से अभी मैंने इसमें 18 ही लिए हैं, बहुत मतलब दो चार भी ले सकता था लेकिन मैंने कहा जितने आ सकते हैं नाम लिख दिया जाए। देखो जैसे ये एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड्स, ठीक है, तो ये एग्रीकल्चर और प्रोसेस फूड्स के बारे में एक्सपोर्ट को डेवलप करने के लिए अथॉरिटी बनी है। अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, ये कपड़े को लेके बनी हुई है। बेसिक केमिकल कॉस्मेटिक एंड डाइज, इससे रिलेटेड बनी हुई है। कारपेट की अलग बनी है, काजू की अलग बनी है, केमिकल्स एंड एलाइड प्रोडक्ट्स की अलग बनी है, कॉफी का बोर्ड बना है, ठीक है, काउंसिल ऑफ लेदर, लेदर की अलग काउंसिल बनी है। तो इस तरह से ये देखो हैंडीक्राफ्ट को प्रमोट करने के लिए अलग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल बनी है। ये भी इसकी आप या तो 2-4-5 लिख लो, ठीक है। इंडियन सिल्क एंड एक्सपोर्ट, देखो इन भारत की जो बेसिक हम लोग के यहाँ प्रोडक्ट ज्यादा होते हैं जिसमें हम एक्सपर्ट्स हैं ना, उसके लिए तो इन्होंने सबसे, जैसे हमारे यहाँ सिल्क अच्छा होता है, ठीक है, हैंडलूम्स हमारे यहाँ अच्छे हैं, हैंडीक्राफ्ट्स हमारे यहाँ अच्छे हैं, ठीक है, जूट हमारे यहाँ बहुत होता है। तो इस तरह से ये सब जो है इतने जो अलग अलग है। अब देखिए जो ये आप एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स और बोर्ड देख रहे हैं, अब इसमें से मान लीजिए आप, सॉरी, इसमें से मान लीजिए आप लेदर प्रोडक्ट बना रहे हैं, जैसे हमारे कानपुर में बहुत सारे लेदर प्रोडक्ट बनते हैं ना, तो अब आपको क्या करना होगा, अगर आप इंडिया में सेल कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो आप क्या करिए, काउंसिल फॉर लेदर जो है इसके पास जाइए, एप्लीकेशन दीजिए कि मैं आपका मेंबर बनना चाहता हूँ। जब आप RCMC मिल जाएगी, आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, तो आपको एक्सपर्ट एडवाइस मिलेगी कि भाई लेदर का और कहाँ कहाँ मार्केट है, कहाँ कहाँ डिमांड है, तो आप क्या करोगे, एक्सपोर्ट करना शुरू कर दोगे। ठीक है, अब यहाँ एक चीज ध्यान रखिएगा, कोई भी किसान जो है इससे एफिलेटेड नहीं होता है ना। तो जैसे हमारे यहाँ गेहूं हो रहा है, तो गेहूं के लिए जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है तो उसमें किसान नहीं एक्सपोर्ट करता है, किसान सीधे मंडी में बेच देता है। होता क्या है, जैसे मान लीजिए मैं हूँ संकल्प शुक्ला, मुझे लगता है कि यार मैं जो है गेहूं खरीद के और फिर उसको स्टॉक करके और फिर आगे बेचूंगा, ये बिजनेस मुझे करना है। तो जो लोग स्टॉक लेते हैं ना मंडी में, खरीदारी करते हैं, ये लोग क्या करते हैं, खरीद के रख लेते हैं। अब इनके पास दो ऑप्शन है, इंडिया में बेच लीजिए या एक्सपोर्ट करना। आपको एक्सपोर्ट करना है तो आपको पता होना चाहिए कि भाई गेहूं कहाँ कहाँ लोग खाते हैं। ऐसा ना हो कि हम चाइना में सोच रहे हैं कि चाइना भेज दे, चाइना में खुद का गेहूं खूब हो रहा है, तो आपको कहाँ पता चलेगा। तो इसलिए सबसे बढ़िया है कि एक्सपोर्ट भले मैं करूँ लेकिन मुझे एक्सपर्ट एडवाइस लेने के लिए एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल से मुझे जुड़ना पड़ेगा। जुड़ता हूं तो उससे क्या होगा, मुझे ही, मेरा ही जो एक्सपोर्ट है वो क्या होगा, प्रमोट होगा। तो ये उद्देश्य है इसके। ठीक है, ये कुछ बोर्ड से देखिए, रबर बोर्ड अलग बना है, कॉफी बोर्ड, टी बोर्ड जैसे बताया, टोबैको बोर्ड, ठीक है, ये मसालों का अलग बोर्ड बना हुआ है क्योंकि हम लोग क्या मसाले बहुत होते हैं। ठीक है, तो ये है एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। यही पर अपना ये जो टॉपिक है ये क्या होता है, समाप्त होता है। अब आप लोग अपने जो म्यूट करके रखे अनम्यूट कर लीजिए, किसी कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। छोटा ही टॉपिक था ये, तो समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes. तो एक अपन एक लास्ट में एक छोटी सी समरी देता हूँ, उसको भी सुनिए। भारत के एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स बना के रखे हैं।
उन बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में से एक है एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल एक नहीं है, वो अपने आप बहुत सारे हैं, ठीक है। तो ये काउंसिल्स जो है स्पेसिफिक प्रोडक्ट से रिलेटेड अलग अलग हैं। इनका काम है कि भारत के एक्सपोर्ट को प्रमोट करना, एक्सपोर्टर्स को गाइड करना, एक्सपोर्टर्स की मदद करना। अब किस चीज में गाइड करेगा, किस चीज मदद करेगा, जाहिर बात है उसको ये एक्सपोर्टर एक्सपोर्टर्स को ये बताना कि किस प्रोडक्ट का कहाँ पर डिमांड है, किस क्वालिटी का प्रोडक्ट चाह रहे हैं बाहर वाले, क्या वहां पर स्टैंडर्ड्स हैं, क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, ठीक है, ये सब बताना। फिर ना हो तो जो विदेशों में बाहर एग्जीबिशंस लग रहे हैं तो अपने मेंबर्स को वहां भेज देना कि जाओ खुद ही देख के आ जाओ, या बाहर से जो एक्सपोर्ट एक्सपर्ट्स आ रहे हैं उनको यहाँ बुला करके और अपने मेंबर्स से मिलवाना, अपने मेंबर्स को अपनी ही सरकार से मिलवाना, ये सब काम कौन करता है, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल करता है, ठीक है। तो यही यहाँ पर मैं अपना प्रवचन समाप्त करता हूँ। अब आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं।